हम आपके दोस्त हैं। Come on, Drax, क्या कर रहा है तू? पीट, अब भागूंगा नहीं, भगाऊंगा। मिलके सारे और जाएंगे मेरी जान। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ कि सब मजे में होंगे। फिर से आप सबके बीच मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मूवी ट्रेलर रिव्यू करने वाला हूँ और साथ ही साथ जानेंगे इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। तो बने रहिए हमारे चैनल JMLD एंटरटेनमेंट में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी एक और सुपर हीरो फिल्म लाने की तैयारी में लगा हुआ है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का तीसरा पार्ट अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसका ट्रेलर बीते दिनों लॉन्च किया गया है। ब्राजील के साओ पाउलो में कॉमिक कॉन एक्सपीरियंस 2022 में मार्वल स्टूडियोज ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर लॉन्च किया। मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फिगे ने इस फिल्म के ट्रेलर के साथ दर्शकों को खुश करने के लिए जोई सल्दाना को भी लोगों से मिलवाया है। जोई सल्दाना फ्रेंचाइजी में गमोरा की भूमिका निभा रही है। अब दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। मार्वल स्टूडियोज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में मिसफिट्स का बैंड इस बार कुछ अलग दिखाई देने वाला है। पीटर क्विल अभी भी गमोरा के नुकसान से जूझ रहे हैं। उन्हें ब्रह्मांड की रक्षा करने के साथ साथ अपनी भी रक्षा करनी है। उनके टीम को ब्रह्मांड के चारों ओर एक रैली करनी होगी। यह एक मिशन है। अगर यह मिशन असफल हुआ तो यह गार्डियंस के अंत की वजह बन सकता है। मार्वल स्टूडियोज इंडिया के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को 5 मई 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी। जारी किए गए ट्रेलर में एक बार फिर गैलेक्सी की रक्षा बनकर पीटर क्विल की पूरी टीम लौटी है, जो सबको बचाने के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी टीम में गमोरा की कमी खल रही है और उन्हें पीटर भी काफी मिस कर रहे हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जेम्स गुन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।